हेलो नमस्ते एवरीवन। तो बिग बॉस 14 का एक हफ्ता जो है वो निकल गया है। बिग बॉस 14 का फर्स्ट वीकेंड का वार जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, जहां सलमान खान से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि इस पूरे हफ्ते में जो कुछ भी गंद मचाया है घर वालों ने, फिर वो चाहे सीनियर्स की तरफ से हो या फिर जूनियर्स की तरफ से, और सलमान खान आएंगे और उन सारी गंद को साफ़ करेंगे और लोगों को और कंटेस्टेंट्स को असलियत दिखाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक्सपेक्टेशंस थी वो वहीं धरी की धरी रह गई, क्योंकि सलमान खान ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आज का दिन सलमान खान ने सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन और निक्की तंबोली को दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, जहाँ एक तरफ कल आधे टास्क से एपिसोड जो है वो ख़त्म कर दिया गया था, वहीं टास्क दिखाया गया आज का। और इस टास्क के दौरान हमने देखा कि कैसे पवित्र पुन्या अपने आप को स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में दिखाती नज़र आई। वेल, हम आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला को जब इम्प्रेस करने वाला टास्क था, वहाँ पर भी पवित्र पुन्या ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। बेशक सिद्धार्थ शुक्ला ने निक्की तंबोली को सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कोई पर्सनल कनेक्शन है दोनों का, इसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला ने निक्की तंबोली को चूज़ किया। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई, निक्की तंबोली को पवित्र पुन्या ने बराबर की टक्कर दी थी। वहीं जब आज अपने आप को इम्यूनिटी दिलाने का और एलिमिनेशन से बचाने वाला टास्क था, वहाँ पर भी पवित्र पुन्या जो बैठी हैं और उन्होंने अपना जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडरशिप दिखाया है, ओ माय गॉड, मैं कहना चाहूँगी हैट्स ऑफ टू पवित्र पुन्या। भले ही मैं कहूँगी कि निक्की तंबोली के साथ जहाँ पर कल पर्सनल ग्रंच निकालने की कई कोशिश की गई थी, जहाँ पर उनके ऊपर बहुत हार्श हुए हैं घर वाले, वहीं अगर पवित्र पुन्या की बात की जाए तो उन्होंने अपने पहले ही दिन से घर के अंदर जो इमेज बनाई है वो गुंडे वाली बनाई है, जहाँ वो बोलते नज़र आती हैं और एक चमाट लगा के दूंगी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती नज़र आती हैं। वेल, पवित्र पुन्या ने स्टार्टिंग से यानी कि डे वन से अभी तक किसी की सुनी नहीं है, और पवित्र पुन्या उन सब शख्स को जवाब दे देती है जो उन्हें गलत कहते हैं। तो पवित्र पुन्या ने जो अपने घर के अंदर पर्सनैलिटी बना के रखी है, उसे देखते हुए जिस तरह से निक्की तंबोली को इस टास्क के दौरान ट्रीट किया गया था, उसका 50% भी मैं कहूँगी पवित्र पुन्या के साथ नहीं किया गया। भले ही एजाज खान उनका बाल काटने की कोशिश कर रहे थे, भले ही ये चीज़ टेलीकास्ट नहीं हुई है, लेकिन एजाज खान ने उन्हें इरिटेट किया। लेकिन राहुल वैद्य की अगर मैं बात करूं तो राहुल वैद्य, जिनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि जब उनका वो असली रूप पिछले दो दिन में जो सामने आया है, जब वो भड़कते बोलते, इवन पवित्र पुन्या के साथ जहां हम देख रहे थे कि उनका एक बहुत अच्छा कनेक्शन था, वहीं पवित्र पुन्या के साथ भी उनकी लड़ाई हो गई। तो अब तो भाई वो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, क्योंकि जहाँ राहुल वैद्य से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, वहीं राहुल वैद्य तो खुश निकले, क्योंकि इस टास्क के दौरान तो उन्होंने पवित्र पुन्या को कुछ करने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन खुद का परफॉर्मेंस तो सही दे देते। भाई, तुमने खुद का परफॉर्मेंस भी नहीं दिया, अगर आपको परफॉर्मेंस देना ही नहीं था अच्छा तो वहाँ बैठे क्यों थे? उतना टाइम बचता, कम से कम कोई और उसे ऑक्यूपाई कर लेता। तो राहुल वैद्य, आप तो ऑल इन ऑल इस टास्क के लिए फुस निकले। वेल, अगर आपको ये अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है और अब इस टैग को अगर हटाना है, तो आपको आगे चलकर अच्छे से परफॉर्मेंस देनी होगी दूसरे टास्क के दौरान। वहीं अगर हम शहजाद की बात करें, भाई शहजाद देओल तो पूरे हफ्ते छाए रहे, उन्होंने ज़बरदस्ती उंगली करने की कोशिश की, इसके उसके फटे में टांग अड़ाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं शहजाद देओल का ये था कि मैं टीवी पर नज़र आता रहूं। लेकिन शहजाद, क्या हो गया आपको टास्क के दौरान? जितना फोर्स आपने दूसरों को उठाने में लगाया था, अगर आप उसका 50% भी वहाँ बैठकर और अपना टास्क परफॉर्मेंस देने में लगाते, या आप वहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज़ करते वहाँ बैठे रहने के लिए, अड़े रहते कि मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, तो आई गेस कि लोगों को आप और भी ज़्यादा पसंद आते। लेकिन भाई, मुँह से बोलने से कुछ नहीं होता, बिग बॉस के घर में तो टास्क
परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं शहजाद का बोलूँगी कि आप भी दिखते हैं बॉम्ब के जैसे लेकिन निकले फुस। तो शहजाद से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, वो आज जो है वो चूर चूर हो गई। वेल, निकित अम्बोली की अगर मैं बात करूं तो निकित अम्बोली के साथ में लोगों ने काफ़ी हार्श बिहेव किया, लेकिन निकित अम्बोली ने इस पूरे हफ्ते में काफ़ी कंटेंट दिया है बिग बॉस के हाउस को, क्योंकि निकित अम्बोली ही पूरे हफ्ते छाई रही। उन्होंने अपने आप को किसी को ओवर पावर करने ही नहीं दिया। वेल, जहाँ पर एक तरफ सलमान खान की मैं बात करूँ तो सलमान खान ने एक चीज़ जो बहुत अच्छी की है वो है रुबीना दिलैक को जो उन्होंने चीज़ें कही वो उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि रुबीना को उनकी असलियत दिखाना, उनको ये चीज़ बताना ज़रूरी था कि आप हस्बैंड वाइफ यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, आप यहाँ गेम खेलने आए हैं। और अच्छे से अच्छे कपल्स अंदर आकर गेम खेलकर बाहर निकले हैं भाई, आप यहाँ रोमांस थोड़ी करने आए हैं, तो गेम खेलने आए हैं। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पता है तो गेम खेलिए। यहाँ पर ओवर ड्रामा, यहाँ पर आप छुई मुई बन रहे हैं अपने आपको और क्या कुछ नहीं। अरे आप अपनी एक्टर वाली जो चीज़ है उसे साइड में रखें और यहाँ पर आप एक आम इंसान की तरह बिहेव करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज सलमान खान ने भले ही कम सही लेकिन एटलीस्ट उनको इस चीज़ का एहसास तो दिला दिया है कि वो कहीं ना कहीं गलत है और उनको संभल कर खेलने की ज़रूरत है अगर वो गेम में बनी रहना चाहती हैं। तो वहीं अगर जैस्मिन बसीन की अगर मैं बात करूँ तो जैस्मिन बसीन का जो स्ट्रॉन्गनेस हमने खतरों के खिलाड़ी में देखा है, वहीं मुझे तो खतरों के खिलाड़ी से एकदम अपोजिट जैस्मिन बसीन घर के अंदर नज़र आ रही हैं। अरे जैस्मिन बसीन को तो मैं इतना ही कहूँगी, इतना आंसू कहाँ से लाती हैं आप? हर बात में आंसू, कपड़े नहीं धुल रहे उसके लिए आंसू, निक्की तम्बोली से लड़ाई हो गई उसके लिए आंसू, निक्की ने कुछ कह दिया उसके लिए आंसू। आप वो तो छोड़िए, किसी और के ऊपर टास्क में पानी फेंक रही हैं उसके लिए भी आंसू। हद हो गई जैस्मिन, सीरियसली आपके इतने सारे फैंस हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलकर इन आंसुओं को साइड में रखें। ये कोई डेली सोप नहीं है, यहाँ जैस्मिन बसीन कौन है ये देखने आए हैं लोग, ना कि ये ड्रामे और रोना धोना आपका जो डेली सोप में वो अक्सर देखा ही करते हैं। तो जैस्मिन बसीन से तो इतना ही कहना चाहूँगी जो सलमान खान ने नहीं कहा कि आपको खेलने की ज़रूरत है, भले ही आप फाइनल तक जाएंगी क्योंकि आप कलर्स का फेस रह चुकी हैं, कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, लेकिन फिर भी कुछ तो कंटेंट दीजिए ताकि बाहर आने के बाद आप बोल सकें कि आपने खेला है शो। वेल, इसके अलावा अगर मैं निशांत मलखानी की बात करूं तो निशांत मलखानी ने इस पूरे हफ्ते अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को वो बिल्कुल भी नहीं रख पाए टास्क के दौरान। निशांत मलखानी ने सब पानी फेर दिया, वो जितना दूसरों को फोर्स करने में एक्साइटेड थे, दूसरों को उठाने में वहाँ से जितना जोश लगा रहे थे, अगर उतना ही जोश उन्होंने उतना ही उत्सुकता वहाँ पर बैठने में लगाई होती तो मुझे ऐसा लगता है निशांत और भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में बाहर आते। बहरहाल जो भी है, मैं तो कहूँगी कि भाई सब अपना अपना गेम खेलना अब शुरू कर दें, क्योंकि पूरा एक हफ्ता हो चुका है और इस पूरे एक हफ्ते में अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से दोस्ती की है, सब एक दूसरे से अलग अलग, जैसे कोई अनजान इंसान पहले दिन घर के अंदर आता है उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। अभी तक किसी की भी उतनी अच्छी दोस्ती नहीं बन पाई है कि बिग बॉस उन सभी के बीच में लड़ाई लगा सके। तो अब निक्की तम्बोली कब तक कंटेंट देती रहेंगी? आप लोगों को भी ज़रूरत है कंटेंट देने की, तो मुझे ऐसा लगता है अब जल्द से जल्द कंटेस्टेंट को गियर अप करना चाहिए। तो ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें जो वीकेंड के बार में सलमान खान की तरफ से बोली जाने वाली थी या बोली जानी चाहिए थी वो तो सलमान खान ने बोली नहीं है, तो हम ही कह रहे हैं कंटेस्टेंट अब तो सुधर जाओ। वेल, सीनियर्स की भी खैर नहीं होने वाली है, क्योंकि सलमान खान ने क्या इस चीज़ का नोटिस किया कि सीनियर्स भी रूल का कुछ खास पालन नहीं कर रहे? तो सीनियर्स की तरफ मैं तो यही कहूँगी कि सिद्धार्थ शुक्ला को तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि पिछले सीजन में भी हमने देखा था सिद्धार्थ को कुछ नहीं कहा है, तो एटलीस्ट गौहर और हिना को ही बोल दें
या इनडायरेक्टली ही बोलते, लेकिन कुछ तो बोले सलमान। तो कल के एपिसोड में मुझे देखना है कि सलमान खान क्या बोलते हैं और क्या वो अब जो आज के दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, वो चीज़ वो कल करते हैं कि नहीं करते हैं। ये देखने लायक होगा और देखना होगा कि वीकेंड के वार का फर्स्ट डे तो ऐसे ही चला गया फालतू का, सेकंड डे कितना उपयोग करते हैं सलमान खान और कंटेस्टेंट को क्या कुछ सीख देख के जाते हैं, ये देखने लायक होगा। तो कल मिलेंगे आपके साथ रिव्यू के साथ, वीकेंड के वार के सेकंड डे के रिव्यू के साथ। तब तक वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी बात से कितनी ज़्यादा सहमति रखते हैं।